मुस्लिम लड़कियों की चुपके से खींच रहा था तस्वीरें, पकड़ा गया तो हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। दिल्ली में मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने के एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें चुपके से खींची जा रही है और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास एक हिंदू लड़का शुभम उर्फ समीर उर्फ सागर दिल्ली मेट्रो में अपने परिवार के साथ बैठी मुस्लिम लड़कियों की चोरी छिपे तस्वीरें क्लिक कर रहा था। शक होने पर परिवार ने विरोध किया। आसपास के लोगों ने जब मोबाइल चेक किया तो पता चला कि ये तस्वीर लेने के बाद वो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा था और लिख रहा था, ये मुल्ली माल लग रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले सगीर भाई वहां पहुंचे और इस लड़के को नशा छुड़ाने के साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने पर लड़का माफी मांगने लगा। सबूत के तौर पर उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक शख्स ने इस मामले में ट्विटर पर लिखा, अब मुस्लिम लड़कियों के लिए मेट्रो में सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भगवा लव ट्रैप के गिरोह घूमते रहते हैं। सोचिए अगर ये लड़का मुस्लिम समुदाय का होता तो आज मीडिया पर पूरा बवाल हो जाता। वास्तव में ये गिरोह सड़ चुका है और इसने अपनी गंदगी की हद पार कर दी है। काशिफ अरसलान नाम के एक शख्स ने लिखा, जामिया मेट्रो स्टेशन हिंदू संगठन से जुड़ा शुभम मुस्लिम लड़कियों की वीडियो बनाकर ग्रुप में डालता है और लिखता है, ये मुल्ली है, माल है, डैश के लिए है। अब हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलेआम मुस्लिम लड़कियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, और वो भी क्यों ना, जब मुस्लिम लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना पर भी दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। ये मुसलमानों की खामोशी की वजह है, और अगर मुस्लिम किसी के साथ जाने से रोके तो उनकी गिरफ्तारी होती है। और कुछ मुखबिर लोग कहते हैं, जाने दो जा रही है तो। राखी त्रिपाठी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इस बंदी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इमरान खान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, बेटियां वो चाहे किसी धर्म की हो, लड़के द्वारा की गई हरकत शर्मनाक है और माफी के लायक नहीं है। वहीं एक और ने लिखा पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।